चाइनीज मांझे से लोग हो रहे गंभीर रूप से घायल। लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरे यमराज प्रशासन छापेमारी की कार्यवाही के बाद भी इसे रोकने में नाकाम। बसंत पंचमी का त्योहार नजदीक है और ऐसे में हरिद्वार की कई दुकानों पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है, जिस कारण हरिद्वार में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। चाइनीज मांझे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज अब सड़क पर उतर गए हैं और लोगों को चाइनीज मांझे के खतरे से आगाह कर रहे हैं। चाइनीज मांझे के कारण हरिद्वार में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक 4 साल की बच्ची भी चाइनीज मांझे के कारण घायल हो गई है, जिसके बाद बच्चे की माँ का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। बच्ची बाहर खेलने गई थी, तभी चाइनीज मांझे में उसका पैर फंस जाने से काफी चोट आई। इनका कहना है कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण मेरी बच्ची को काफी दर्द हुआ और बड़ी मुश्किल से उसको टांके लगे। नैना, घायल बच्ची की माँ। चाइनीज मांझे से हो रही लगातार इन घटनाओं को देखते हुए अब यमराज को भी सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। यमराज बन के लोगों को जागरूक करने वाले प्रशांत शर्मा का कहना है कि चाइनीज मांझा लोगों के गले काट रहे हैं, इसके कारण काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। इसको देखते हुए हमारे द्वारा लोगों को चाइनीज मांझे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रशांत शर्मा, यमराज। हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह का कहना है कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 4 थाने आते हैं। मेरे द्वारा थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि चाइनीज मांझे को लेकर छापेमारी की कार्यवाही की जाए। मेरे द्वारा भी ज्वालापुर क्षेत्र में पतंग की दुकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई थी। हमें सूचना मिल रही है कि दुकानदार चाइनीज मांझे को दुकान पर न रखकर किसी और जगह छुपाकर बेच रहे हैं। इसको देखते हुए हमारे द्वारा वहां पर छापा मारकर नियम विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अवधेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट। चाइनीज मांझे से हरिद्वार में लगातार बच्चे और बड़े लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, मगर जिला प्रशासन छापेमारी की कार्यवाही के बाद भी चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। अब देखना होगा जिला प्रशासन इस पर कितनी सख्त कार्रवाई करता है, जिससे चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लग सके। चाइना का मांझा है वो सबके गले काट रहा है, सबके नाक काट रहा है, और इसी के उसमें अभियान चलाया गया। जो चाइना से बना मांझा है वो सबको नुकसान दे रहा है। कुछ लोगों के गले भी काट दिए हैं, अहमदाबाद में भी गले काटे हैं और हरिद्वार में भी गले काटे हैं और मेरठ के अंदर भी खूब गले काटे हैं चाइना के मांझे ने। जहाँ भी इससे पतंग उड़ाई जा रही है वहाँ उससे नुकसान हो रहा है। मेरे द्वारा जो शहर क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है, उसमें हमारे 4 थाने आते हैं और चारों थाना अध्यक्षों को मैंने निर्देशित किया है कि इसमें छापेमारी कार्रवाई करें और जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है, जिसके यहाँ भी मिलता है, उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। मेरे द्वारा स्वयं भी एक दिन ज्वालापुर में झंडा चौक के पास 3 जो होलसेलर थे इनके पतंग की दुकानों के और जो माझा बेचते हैं, उनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई थी कि लोग अपने यहाँ न रख करके किसी दूसरे के घरों में छिपा दे रहे हैं, तो उसमें भी छापेमारी कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो भी नियम कानून उसके सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बच्चा थोड़ा सा खेलने के लिए बाहर गया था और डोर के पैर फंसने से उसका पैर कट गया। 8 टांग के आए, बंद हो जाना चाहिए, जहाँ तक देखा जाए तो बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल। बच्चा इतना रो रही है, वो बड़ी अभी उसको सुन करवाया तब जाके उसके टांके लगाए, बिल्कुल होनी चाहिए। लड़की रो रही है अंदर पूरी तरह से, अभी 4 साल की अभी हुई है बस।